हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि डिफरेंट प्रकार के क्वाड्रिलेटरल में सिमिलरिटीज क्या हैं, समानताएं क्या हैं और डिफरेंस क्या है, भिन्नताएं क्या हैं। मतलब जो 6 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज कॉमन हैं और कौन सी नॉन कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जान लें। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है प्लेन सरफेस पे, जो चार साइड से मिलकर बना होता है और चारों साइड स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ फोर स्ट्रेट लाइन एंड इट हैज फोर वर्टेक्स। तो क्वाड्रिलेटरल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, फोर कॉर्नर्स एंड फोर वर्टेक्स ऑन ए प्लेन। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पे आते हैं, तो कुल 6 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स हमको जानने हैं। पहला है स्क्वायर। पहला जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर SQUARE। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर में चार साइड होंगे और चार कॉर्नर होंगे, या चार कॉर्नर एंगल होंगे और चारों ही साइड और चारों ही एंगल आपस में बराबर होते हैं। दूसरा क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल RECTANGLE। रेक्टेंगल में भी चार साइड्स होते हैं और चार एंगल होते हैं, पर इसमें केवल अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड अनइक्वल होती हैं, और साथ ही साथ जो चारों एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ऑल एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड अनइक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स आर Not equal। स्क्वायर में भी लिखने all sides and all angles are equal। अब हम आ जाएंगे तीसरे क्वाड्रिलेटरल पे। तीसरा क्वाड्रिलेटरल हो गया पैरेललोग्राम। PARALLELOGRAM। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वे इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, दोनों ही अपोजिट साइड। द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। टू
pairs of opposite side are equal and parallel. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसके अगर डायगोनल को हम इसका जो डायगोनल होता है दो कॉन्वेंट ट्रायंगल में बांटता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल और स्क्वायर की भी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर भी एक पैरोग्राम होते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि हर पैरोग्राम रेक्टेंगल या स्क्वायर हो। पैरोग्राम के बाद हम आते हैं ट्रेपजियम पर। ट्रेपजियम हमारा चौथा क्वाड्रिलेटरल है, टी आर ए पी ई जेड आई यू ट्रेपजियम। इसमें केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड रिमेनिंग साइड्स आर नॉट पैरेलल। वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel। तो चार क्वाड्रिलेटरल हमने जाना, और पांचवा जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है रोम्बस, आर एच ओ एम बी U, yes। रोम्बस के अपोजिट साइड्स का पेयर या दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और चारों साइड इक्वल होती है। मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और चारों साइड इक्वल होंगे। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। और आखिरी में आता है काइट। काइट कुछ इस तरह से होती है, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और इसमें जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर इन दो वर्टेक्स को मिला दिया जाए और इन दो वर्टेक्स को मिला दिया जाए तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। रोम्बस में भी डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं
और आवश्यक नहीं है कि 90 डिग्री पे बाइसेक करें। पैरोग्राम है तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक करेंगे, बट नॉट नेसेसरी, डायगोनल विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक करते हैं, पर आवश्यक नहीं है कि 90 डिग्री पे ही बाइसेक करें। और स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक करते हैं। तो हम स्क्वायर को एक पैरोग्राम कह सकते हैं क्योंकि उसमें पैरोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं और साथ ही चारों साइड पैरेलल भी हैं, इसलिए इसको हम स्क्वायर को पैरोग्राम भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होने के साथ साथ चारों साइड बराबर हैं। तो स्क्वायर एक पैरोग्राम होता है और एक रोम्बस भी होता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि रोम्बस या पैरोग्राम एक स्क्वायर हो। और रेक्टेंगल को हम पैरोग्राम कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो।